जयपुर के मंगलम विहार टी बैनार्ड रोड पर एक गाय दो दिन से रोड पर तड़पती रही, पर ना ही कोई संस्था आगे आई और ना ही कोई नगर निगम के कर्मचारी आए। आखिर तड़पती गाय ने इलाज नहीं होने के कारण दम तोड़ दिया। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि हमने नगर निगम व गौ सेवा समिति के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया था और अवगत भी कराया गया था, मगर कोई भी यहाँ आने को टाल मटोल करता रहा। उसके बाद गाय ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इसे कॉलोनी के लोगों में रोष दिखाई दिया और ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करने की बात बताई गई। इस मौके पर सुरेंद्र, विष्णु, राजू, पुरुषोत्तम, आनंदीलाल आदि लोगों ने रोष व्यक्त कर इन कर्मचारियों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। हेलो, एक गाय का कल से हम लोग प्रशासन को सूचना दे रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा है और हमने 4-5 दिन नगर निगम को फोन किया था लेकिन कोई सुनाई नहीं किया और इनके फोन से भी किया, मेरे फोन से भी किया और कॉलोनी वाले सब साथ में थे लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को टाल देता है, मतलब अपनी बात क्या करता है। हाँ, या फोन बिजी कर देते, दोनों से एक काम करते हैं। हाँ, तो कृपया प्रशासन और सरकार उस पर ध्यान दे कि ये लापरवाही एक गौ माता के ऊपर पड़ गई है और आज ये गाय की हत्या हो चुकी है और अभी तक नगर निगम उसको लेने के लिए भी नहीं आए, उसको भी सूचना दी गई है। धरने के बाद भी गाय को उठाने तक नहीं आ रहे वो लोग। जयपुर से काना राम। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.